हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पुरानी जींस से डोरमेट बनाएंगे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक 5 सेंटीमीटर का फैब्रिक का पट्टी लिया है ब्लैक कलर का, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके आपको पाइपिंग का डोरी बनाना है। बेस फैब्रिक के लिए मैंने पैंट पीस का कटिंग लिया है। इसका साइज़ मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेन से क्रॉस लाइन लगानी है इस तरीके से। जहाँ पे हमने पेन से लाइन बनाया है उसके ऊपर पाइपिंग का डोरी रख के आपको इस तरीके से स्टिच करना है। ऐसे आपको सारे लाइन पे पाइपिंग का डोरी लगा के स्टिच करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने जीन्स का, पुराने जीन्स था मेरे पास, उसका ही मैंने राउंड कटिंग बनाया है। अलग अलग साइज में बनाया है। जो हमने राउंड शेप में जीन्स का कटिंग लिया है उसको इस तरीके से, जो पाइपिंग का डोरी लगाया है उसके ऊपर आपको स्टिच करना है इस तरीके से। अभी हमें 5 सेंटीमीटर का पट्टी लेना है और इसे बैक साइड में स्टिच करना है। स्टिच होने के बाद आपको फ्रंट साइड में इस तरीके से फोल्ड करके आपको पाइपिंग करना है। ऐसे आपको चारों साइड में पाइपिंग करना है। देखिएगा, यहाँ पे हमारा डोरमेट रेडी हो गया है। देखिए, यूनिक तरीके का डोरमेट है ये, बहुत ही अच्छा और प्यारा लग रहा है। इसका डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा है। देखिएगा, इस तरीके से आप पुरानी जींस से अलग अलग पैटर्न के डोरमेट बना सकते हैं। आई होप आपका आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।